see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. नमस्कार, आज 25 जून 2018 है और आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो कुछ इस प्रकार है, व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमॉरोज। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि आज हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमको कल भुगतना पड़ता है, या फिर आज हम लोग जो अच्छे काम करते हैं उसका फल हम लोगों को कल मिलता है। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को गुड हैबिट्स बनाने चाहिए, जिसका जो फल है, जिसका रिजल्ट है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हमारे फ्यूचर की सक्सेस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लाभदायक होगा। अब बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। आज का जो पहला हेडलाइंस है वो कुछ इस प्रकार है, प्राग इज वर्ल्ड्स सेकेंड यंगेस्ट जीएम। ऐसा कहा जा रहा है कि आर प्रज्ञा नंदा, जो कि यंगेस्ट हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर चेस में हिस्सा लिए थे, उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे वर्ल्ड के सबसे सेकंड यंगेस्ट जीएम है, यानी कि ग्रैंड मास्टर है। अब बढ़ते हैं अगले हेडलाइंस की तरफ। अगला जो हेडलाइंस है वो कुछ इस प्रकार है, एनआरसी ओमिशंस रेस फियर इन असम। ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ओमिशन के लिए एक बहुत ही भयानक डर बैठा दिया है असम के लोगों के ऊपर। ऐसा कहा जा रहा है कि 1971 में बांग्लादेश से आए गए जितने भी लोग थे उनको सिटीजनशिप बिल के द्वारा सिटीजनशिप दिया जाएगा इंडिया में, लेकिन ऐसा कहा भी जा रहा है कि असम में जितने भी लोग अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं उनका भी कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन इसमें फेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले हेडलाइंस की तरफ। आज का अगला जो हेडलाइंस है वो कुछ इस प्रकार है, प्रपोज्ड वाटर एरोड्रोम इन चिलिका लेक लाइकली टू फेस ग्रीन हर्डल। देखिए, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इंडिया के, उन्होंने चिलिका अथॉरिटी से ये कहा है कि वो चिलिका लेक के ऊपर एक वाटर एरोड्रोम बनाएंगे, लेकिन चिलिका अथॉरिटी ने ये दावा किया है कि अगर ये वाटर एरोड्रोम बनता है तो वहाँ के नेचुरल हैबिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, और जिसके लिए उन्होंने सोचने का वक्त लिया है। अब अगले वाले हेडलाइंस में बढ़ते हैं, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क सेट टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली मेट्रो को फिफ्थ लार्जेस्ट का खिताब दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा कहा जा रहा है कि 11 किलोमीटर का जो मुक्ता बहादुरगढ़ सेक्शन खुला है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी के साथ हमारा जो दिल्ली मेट्रो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल के ऊपर। हमारा जो एडिटोरियल है वो कुछ इस प्रकार है, फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया इज लैकिंग बिहाइंड इन ऑर्डर टू एंड अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया। इंडिया में जितने भी अंडर नरिशमेंट हो रहा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और इंडिया जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है इस अंडर नरिशमेंट को एंड करने के लिए। अब बढ़ते हैं आज के बिजनेस न्यूज की तरफ। आज का जो बिजनेस न्यूज है वो कुछ इस प्रकार है, गवर्नमेंट टेस्टिंग बिग डेटा सिस्टम टू एड बैंक असेस क्रेडिट रिस्क। तो बैंक को क्रेडिट रिस्क को असेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेस्टिंग बिग डेटा सिस्टम अपनाया है जो कि बैंक्स में अभी लागू होगा। अब बढ़ते हैं आज के पावर वर्ड की तरफ। कल का जो पावर वर्ड था वो था अडैप्ट, यानी कि मेक समथिंग सूटेबल फॉर अ न्यू यूज और पर्पस, दैट इज मॉडिफाई, बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशन, यानी कि सिनोनिम है मॉडिफाई, ऑल्टर, ट्रांसफॉर्म, एडजस्ट। आज का जो पावर वर्ड है वो है स्लू। इस वाले पावर वर्ड का मीनिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इस वाले पावर वर्ड का मीनिंग मैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो में शेयर करूंगी। अब बढ़ते हैं कल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ। मिस मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। कथकली, मोइनत्तम एंड ओथम थुल्लल आर फेमस डांसर्स ऑफ केरला। जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। आंसर होगा शूटिंग। लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज शेरी पंजाब एंड पंजाब केसरी। मॉडर्न फुटबॉल इज सेट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम इंग्लैंड। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार है, मॉडर्न इंडो एडियन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन एन एंशिएंट लैंग्वेज कॉल्ड डैश।
लक्ष्मीनी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड एट डैश, मैल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द ऑर्गन्स कॉजेस जॉन्डिस, ओलंपिक क्रीड एंड ओथ वॉज कंपोज बाय डैश द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, कथक नौटंकी झोड़ा एंड काजरी आर इंपॉर्टेंट डांसर्स ऑफ डैश। तो इन सारी क्वेश्चंस का आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन गाइस हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।